हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पॉकेट्स। ब्रेड पॉकेट्स एक सिंपल और डिलीशियस रेसिपी है और इसे बनाना भी एकदम आसान है। बनाना शुरू करते हैं ब्रेड पॉकेट्स, जिसके लिए हमने लिया है ये एक मीडियम साइज का प्याज, हमने लिया है आधी शिमला मिर्च ली है, एक गाजर लिया है, हाफ कप हमने कॉर्न लिए है। सभी के पीसेस ऐसे छोटे छोटे कॉर्न के साइज के पीसेस हमने करके लिए सब्जियों के। टोमेटो सॉस हमने लिया है एक टेबल स्पून, ये दो टेबल स्पून हमने शेजवान चटनी ली है, तीन टेबल स्पून हमने मैदा लिया है, ये मोजरेला चीज है, एक प्रोसेस चीज का हमने क्यूब लिया है। इसके साथ ही हमने ये एक टीस्पून हमने रेड चिली पाउडर लिया है, नमक हमें स्वाद अनुसार लगेगा, जो हमने हाफ टी स्पून लिया है, और हाफ टी स्पून हमने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है। चार पांच हमने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, जिसके हमने साइड्स कट करके लिए है, और ये हमें मिक्स हर्ब भी हमने लिया है, जो हम हाफ टी स्पून लेंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं ब्रेड पॉकेट्स। पहले हम पॉकेट्स के लिए फिलिंग बनाएंगे। इसके लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रख ली है, इसमें एक टेबलस्पून हमने ऑयल डाला है। अभी सभी सब्जियां हम इसमें फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा ही हमें इसे सिर्फ सब्जियों का कच्चापन थोड़ा सा निकालेंगे। प्याज को एक दो मिनट के लिए भूनने के बाद अभी हम बाकी की सब्जियां इसमें ऐड करेंगे। शिमला मिर्च है, गाजर है और कॉर्न है। गैस का फ्लेम हमने बढ़ा ही रखा है क्योंकि हमें सब्जियों का क्रंच चाहिए। दो तीन मिनट सब्जियों को भूनने के बाद अभी हम ये मसाले इसमें ऐड करेंगे। एक टीस्पून हमने रेड चिली पाउडर लिया है, स्वाद अनुसार नमक लेंगे, और हाफ टी स्पून हमने काली मिर्च ली है। ये सभी चीज़ें इसमें ऐड कर लेते हैं। हाफ टी स्पून हम मिक्स हर्ब लेंगे। एक टेबल स्पून हमने टोमेटो सॉस डाल लिया है, और दो टेबल स्पून हम शेजवान चटनी डालेंगे। सॉस डालने के बाद हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे। मिक्सचर को ठंडा होने देंगे। ये हमारा मिक्सचर अभी ठंडा हो चुका है, तो इसमें हम अभी चीज़ ऐड कर लेते हैं। ये प्रोसेस चीज़ है क्यूब, ये एक क्यूब मैं पूरा इसमें डाल रही हूँ, आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा डालिए। और ये मोजरेला चीज़ है जो पिज़्ज़ा में यूज़ होता है, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। और अभी दोनों चीज़ इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अभी हम ब्रेड के पॉकेट्स बनाना शुरू करेंगे। जो ब्रेड के एजेस हमने निकाल लिए हैं, तो उसको आगे हमें बेलन से बेलना है। इस तरह से हम इसे सभी स्लाइसेस को बेल के तैयार करेंगे और फिर स्टफ करेंगे। इसके लिए ब्रेड एकदम ताज़ा होना ज़रूरी है, तभी ये अच्छे बनते हैं। इसी तरह से सभी स्लाइसेस हम कर लेते हैं। ये मैदा तीन टेबलस्पून हमने लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसका पेस्ट बना के लेंगे। ये मैदे की हमने पेस्ट बना ली है, अभी हम पॉकेट्स बनाना शुरू करते हैं। तो इस टाइप से हमें ब्रेड को हमने बेल लिया है। अभी ये जो स्टफिंग हमने बनाई थी, ये स्टफिंग हम इसमें डालेंगे। ब्रेड के साइज़ के ऊपर है कि कितना स्टफिंग उसमें बैठ सकता है।
अभी हम इसे ये स्लरी लगा के सभी साइड से हम इसे अच्छे से ये स्लरी लगाएंगे। सभी साइड से लगाना है ताकि हमारे पॉकेट्स अच्छे से बंद हो जाए, खुले रहेंगे तो ऑयल में वो बाहर आएगा, उसमें से जो स्टफिंग हमने डाला है वो। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद हम इसे सभी साइड से ऐसे पैक कर लेंगे। पैक करने के बाद इसको क्लीन कर लेंगे फाइल से। थोड़ा सा ही निकालना है क्योंकि ये देखिए इस तरह से हम सभी पॉकेट्स बना लेते हैं। एकदम पतली ऐसे स्लरी हमने बना ली है। अभी हम इसे ये जो हमारे ब्रेड पॉकेट्स हैं इनको कोटिंग करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अभी हम इस तरह से इसे ऐसे स्लरी से कोट करेंगे। ऐसे ही ब्रेड आप डालते हो तो उसे वो ऑयल ज़्यादा सोक करता है, और दूसरा ये अगर कुछ कहीं पे खुला रह गया है तो वो भी क्लोज हो जाता है, तो इसलिए हम इसे ऐसे लगाते हैं और ऑयल में फ्राई करने के लिए डालते हैं। सभी स्लाइसेस को मैं ऐसे ही कोट करूँगी। ये देखिए मैं ये साइड से भी इसे ऐसे लगा रही हूँ। पहले हम एक साइड से होने देंगे फिर दूसरे साइड पलटेंगे। इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम हमने बढ़ा ही रखा है। अभी से एक साइड से कलर आ चुका है, हमने इसे पलट लिया है, दूसरे साइड को भी कलर आया कि हम इसे निकाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरे साइड से भी हमारे ब्रेड पॉकेट्स को कलर आ चुका है। ये देखिए अभी हम इन्हें निकाल देते हैं। इस तरह से अभी अगली बैच हम इसमें डाल लेते हैं। देखिए भाई, इस तरह से सभी पॉकेट्स हम फ्राई कर लेंगे। साइड से इनको कलर आ चुका है, हम इन्हें पलट लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम धीरे से पलटना है इनको। ये देखिए हमारे ब्रेड पॉकेट्स को कितना अच्छा कलर आया है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी दोनों साइड से अच्छे कलर आ चुका है। अब हम इसे एक एक करके निकाल लेते हैं। ये देखिए, और इस तरह से हमारे सभी ब्रेड पॉकेट्स फ्राई हो चुके हैं। ये मेरी ब्रेड पॉकेट की रेसिपी है, आपको अच्छी लगी तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।